वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको दिखाऊंगा टीवीएस की एंटोर रेस एडिशन है, इसके सारे फीचर्स बताऊंगा और राइड एंड रिव्यू सब आपको बताऊंगा। और ये वाली जो स्कूटी है ये मेरे भैया इन्होंने ली है। हेलो भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। इसका क्या रिव्यू है आपसे? रिव्यू बहुत अच्छा है। और कब से चला रहे हो आप ये? 15 डेज हो गए। कितने तक की पड़ी थी आपको ये? 77 की पड़ी थी मुझे। 77 की पड़ी थी भाई, ऑन रोड। हाँ, और ट्रैफिक में कोई वो उतनी नहीं, कोई कंफर्टेबल है, पूरी बहुत कंफर्टेबल है। अच्छी तो चलो गाइस, पिकअप भी हुआ है अभी, सब कुछ आपको बताऊंगा। और इसके एंटॉक जो पहले वाली थी और अब वाली जो रेस एडिशन, बहुत चेंजेस हुए हैं एंटॉक में। जैसे आप भैया ने भी शायद इसलिए ली होगी चेंजेस को देखते हुए। और सारा का यही वीडियो में इसी के बारे में आपको सारे फीचर्स और सब कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी जितने भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहो लास्ट तक। Lost, during war, shot me dead. I was lost, and I said to the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. I gotta. आपने सारे सिनेमेटिक एंजॉय करे होंगे। अब आपको बताऊंगा सारे फीचर्स। राइड एक दिखा देंगे इसकी, और इसके साउंड सुनाऊंगा। साउंड जो है ना इसकी हार्डनेस, हार्ड है साउंड इसकी। गाइस में जो पहला चेंज है, जो ये इसकी हेडलाइट है, जो हेडलाइट थी पहले वाली एंटॉक में पूरी प्लेन थी, सिर्फ इधर इतनी सी छोटी सी थी एलईडी, जो अब इसमें ये टी शेप में दी हुई एलईडी, बहुत मतलब अलग ही लगती है, यूनिक लगती है देखने में। और जो पहले वाली उसमें थी रेड एंड ब्लैक का, जो अब जो कॉम्बिनेशन है ये देखो, जैसे रेड पट्टी बीच में और ब्लैक पट्टी बीच में और रेड साइडों में, और ऐसी पूरी उसमें भी दिया हुआ है स्कूटी में। और इसकी जो ये जो है स्टिकरिंग जो करी हुई है इन्होंने कंपनी वालों ने, वो भी अच्छी है। जैसे ये जो 125 लिखा है इसमें भी कार्बन फाइबर वाला लुक दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इसके साइड्स में, यहाँ ये भी सारा कार्बन फाइबर है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो देखो सारा कार्बन फाइबर है। और यहाँ इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कंपनी की दे दी है टीवीएस रेसिंग। और फिर वैसे ही दूसरी तरफ यहाँ भी 125 वैसी है कार्बन फाइबर वाली लुक में। और ये वाली जो है इसकी डिस्क ब्रेक दे दी है कंपनी ने, और इस साइड भी यही वो कार्बन फाइबर का है, टीवीएस रेसिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है इसके ये लिखा हुआ है, देखो जूम पास दिखाता हूँ आपको, एंडोर रेस एडिशन नाम दिया हुआ है। और दूर से दिखाऊं तो आपको पूरा कलर कॉम्बिनेशन देखो रेड एंड ब्लैक का, कितना ऑसम लग रहा है। और इसमें ये वाला जो चीज़ है ये ग्लोसी रेड में दे दिया, और ये ग्रे में सिल्वर टाइप, और ये वाली जो है ग्लोसी ब्लैक में है। देखो कॉम्बिनेशन अलग ही है इसका रेड एंड ब्लैक का। और यहाँ पे भी बड़ी मस्त जो है ये ऑसम लग रही है बहुत देखने में, रेस एडिशन जो है इनकी स्टिकरिंग हुई हुई है। और एंटोर तो जो 3D टाइप में लिखा हुआ वो है। और इसमें जो पहली वाली एंटॉक में थी शायद कार्बन फाइबर की रैप थी, इसमें वो नहीं है। इसमें देखो हर पार्ट में आप देखोगे कार्बन फाइबर ही दिखेगा आपको।
और ये फुट रेस्ट जो पीछे बंदा बैठेगा उसके लिए। और देखो ये पहले वाले में जो टू वेल्व इंजन था इसमें थ्री वेल्व है, और इंजन जो है 125 cc का है। पावर है, पिकअप भी ज़्यादा है स्कूटी का। और अंदर जैसे आप देखोगे शोकर लगे रेड कलर में। और इसमें गाइस मतलब अच्छी बात है इसमें कि पीछे वाली जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है, और आगे वाली जैसे आपको मैंने दिखाया था डिस्क ब्रेक दी हुई है आगे। ये डिस्क ब्रेक ब्रेक भी जैसे इसकी पावर उसी के हिसाब से दी होंगी, पावरफुल ब्रेक्स हैं। और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं इधर भी कार्बन फाइबर का थोड़े वो करी हुई है फिनिशिंग। और यहाँ पे है डिक्की ओपन का, और इस तरफ जो है वो फ्यूल वो खोलने का है। और ये रहा यहाँ से डलता है फ्यूल। और ये जो आ गई इसकी टेल लाइट में भी आप देखोगे जैसे टी बना हुआ है इसमें। और बाकी यहाँ पे TVS लिखा हुआ है, ये इंडिकेटर्स हैं इसके। और ये आ गई हमारी खास चीज़ जिससे इतनी अच्छी मतलब जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, एग्जॉस्ट। तो भाई इसकी दूसरी तरफ हम आ जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है एंटॉक, इसका 3D टाइप में जो लिखा हुआ है, और 125 cc। और ये जो है इसको मैं फोकस करूँ तो ये रेस एडिशन लिखा हुआ है, स्टिकरिंग अच्छी हुई है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है। और जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है इन्होंने इस बार कंपनी वालों ने रेस एडिशन में देखो हर ज़्यादातर जगह पे कार्बन फाइबर की है वो फिनिशिंग जो दी हुई है, नीचे भी कार्बन फाइबर है था कि कार्बन फाइबर था, आगे भी था 125 cc जहाँ लिखा हुआ था। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने इसकी बॉडी का सारा दिखाया था कि कैसी थी, और एक बात मेरे चश्मे में शायद रिफ्लेक्शन आ रही होगी, आ रही है ना, आ रही है थोड़ी, उतार देता हूँ फेस सही से नहीं दिखेगा। और जैसे मैंने आपको सारा इसका दिखा दिया था इसकी बॉडी में स्टिकरिंग कैसे हुई हुई है, और कलर स्कीम अच्छी है, मेरे को भी अच्छी लगी रेड एंड ब्लैक में, अपना भी बताऊँ रिव्यू तो अच्छी है। और जैसे आप इधर मीटर पर देखोगे तो इधर ये 125 रेस एडिशन लिखा हुआ है, स्टिकर इसका अभी इस बार में लिखा है रेस एडिशन वाले में। तो अब आते हैं अब इसके मीटर में मोड्स, देखो इसके दो मोड हैं, स्ट्रीट मोड है और एक स्पोर्ट मोड है, दोनों आपको दिखाऊंगा अभी। और मीटर में भी है मतलब अच्छी हैं, और कनेक्टिविटी भी स्मार्ट कनेक्टिविटी है, फ़ोन में एप्लीकेशन आती है इसकी एक जो कि मतलब जो लेता है उसने डाउनलोड करी होगी, जितने भी जिन्होंने भी मेरी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने उनमें से किसी ने ली होगी तो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी होगी, तो उसका जो है फ़ोन से कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे आपको कोई ड्राइविंग करते हुए कॉल आ रहा है आपको इसमें शो हो जाएगा, और आपके फ़ोन की बैटरी सब इसमें शो होगी। और ऐसे ही सब कुछ मैं आपको मीटर अब ऑन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी सुनेंगे आवाज़। तो भाई इसमें जो इसका मीटर जो है अभी मीटर पे ज़रा करना फोकस, तो जैसे मीटर जो है इसमें पूरी डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में आपको उसका नेविगेशन भी दिखाएगा पूरी, देखते हैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो भाई इसका मीटर ऑन करके दिखाता हूँ, देखो यार मीटर मतलब अच्छा है, ये मीटर में तो कोई मेरे को लग रहा नहीं कि चेंजेस है, क्योंकि पहली वाली एंटॉक में भी ये ऐसा ही था बिल्कुल सेम, बस इसमें ये है कि हेजार्ड लाइट दे रही है। देखो जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ सामने से देखोगे ये हेजार्ड लाइट ऑन हो गई, ये आपको फॉग जब होती है तो उसमें आपको काम आती है, जैसे जो कि पहले वाली में नहीं थी ये हेजार्ड लाइट। तो अच्छे बहुत चेंजेस करे हैं कंपनी ने, बहुत मतलब अच्छी स्कूटी है, अभी चला के भी दिखाएंगे और आपको अभी मीटर दिखाते हैं चलो। तो भाई इसका मीटर देखो, पहले तो ये जो है इंडिकेटर के हेजार्ड लाइट जल रही है उसके बाद इसका यहाँ पे ये हीट का दिखाता है, हीटिंग कितनी हो रही है, और ये आपकी ट्रिप अभी करीब ही जो है ट्रिप ए पे है, ए और बी दोनों हैं ट्रिप। और ये वाले इसके जो है किलोमीटर बताता है, ये आ गया आपका टाइम, ये जो है स्पीड दिखाएगा, और ये आपको दिखाएगा फ्यूल का। और इसमें जो है मोड के दिए हैं आपको ये रे बटन, ये मोड का बटन है, और ये टाइम जैसे टाइम सेट करना हो आपको उसका बटन है, और ये मोड का है। तो मोड दिखाते हैं आपको, ये वाले बटन से आप एक बार दबाओगे तो ये आ गया आपका स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में आपके एक और बार दबाओगे तो ये आएगा राइट स्टार्ट लास्ट लैप, और एक और बार दबाओगे राइट स्टार्ट बेस्ट लैप आएगा इसमें, तो इसका कोई होता है वो मेरे को भी नहीं पता। और अब आ गया इसका स्ट्रीट मोड में है कि जैसे आप कहीं आस पास जा रहे हो, स्पोर्ट्स मोड में और स्ट्रीट मोड में मेरे को तो नहीं लगता कोई फ़र्क होगा, फिर भी एक बार मैं आपको चला के दिखा दूँगा कि जैसे क्या पता स्पोर्ट्स मोड में पिकअप ज़्यादा हो। तो यही था बस, और हॉर्न टाइप हॉर्न तो वैसे ही है इसका, और
बाकी जो हेडलैम्प थी वो तो आपने देख ली थी, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको हेडलैम्प। जैसे देखो हेडलैम्प है, ये आप देख सकते हैं पूरी एलईडी है। और आप अगर इसकी हाई बीम पे करेंगे, देखो हाई बीम पे कर दी तो ऐसी लगी, हाई बीम पे करके मतलब पूरी एलईडी ऑल ओवर जो है पूरी एलईडी है इसमें। और ये वाली जो आ गई इसमें ऊपर हजार लाइट की आ गई, इंडिकेटर भी ऐसी में, और यहाँ पे भी वो है ग्लोसी ग्लोसी टाइप का है। तो अब इसकी सुनाते हैं आपको आवाज़ बने। तो गाइस अब इसको करते हैं स्टार्ट। देखो स्टार्ट जैसे इधर से पहले ये ऑन किया, बाइक वाला सिस्टम है जैसे इधर ये जो है बटन दिया हुआ है जैसे ऑन ऑफ करके इसको, जैसे आपने ट्रैफिक में खड़े हुए हो तो जब स्कूटी बंद करके इसको ऐसे कर दो, स्कूटी पूरी चाबी से बंद नहीं करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने इसको बंद ऑन करा तो इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया। अभी सुनो इसकी आवाज़, जैसी थी इसकी आवाज़। जैसे अभी ये होता है फ़र्क कि जैसे मैंने सुना है कंपनी में, या मेरे फ्रेंड के भी पास भी है जो पहले वाली एंटोर्क है वो, उसमें उसका भी है रेड कलर है, तो मैंने सुना है कि जैसे उसकी भी फर्स्ट और सेकंड सर्विस होने के बाद थोड़ी आवाज़ खुली थी। जैसे ये अभी इतनी आवाज़ है, ये भी ठीक है पर इसके बाद और आवाज़ हो जाती है। तो अब देखो ये अब एक दो सर्विस होने के बाद हो जाएगी आवाज़। अभी कितनी, एक भी सर्विस नहीं हुई होगी अभी? नहीं हुई अभी नहीं। तो पहली सर्विस कितने किलोमीटर वाले, कितने में? 700 पे है सर। 700 पे है तो बस उसके बाद हो जाएगी आपकी आवाज़, और आवाज़ हो जाएगी थोड़ी तो फिर आप और मज़ा आएगा, और भी दिखाऊंगा। तो गाइस आपने इसकी साउंड सुन ली, सिनेमेटिक देख लिए, सबका कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। स्कूटी भी कैसी है वो भी बताता हूँ। अब बारी आ गई राइड की, अब वो दिखाता हूँ, और इसका पिकअप भी बताऊँगा कैसा है राइड करके, वो तो सब राइड करके पता चलेगा पिकअप कैसा है, तो आपको दिखाऊँगा अभी। चलो देख, तो गाइस अब मैं इसको राइड दिखाता हूँ। राइड देखो स्टार्ट करते हैं स्कूटी को, जो इसका वो नहीं ऑन था, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं वहाँ तक जाऊँगा, देखो वहाँ खाली रोड है पूरी, वहाँ से फिर वापस आऊँगा देखना ज़रा, और मैं आपको बताऊँगा कितनी तक स्पीड गई कितनी में। चलो यार देखो, अभी इतनी तो भगा नहीं सकते पिकअप, मतलब फिर भी इसकी जो रेस है सही है मेरे हिसाब से, तो जैसी होनी चाहिए स्मूथ है, और हैंडलिंग में भी सही है। जैसे कटिंग करने में कई बार हो जाती दिक्कत हो जाती है, तो वैसे कुछ नहीं प्रॉब्लम, सही है, कंफर्टेबल सीट है, और शॉकर जो स्टेबिलिटी है वो भी सही है, अच्छा सब। और अब मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे भैया है मेरे साथ तो भैया पीछे बैठ जाएंगे, उसके मीटर के ऊपर दिखाऊँगा, फिर उसमें आप देखना कि स्पीड कहाँ तक जाती है। देखो वहाँ पे भी उस तरफ खाली रोड है पूरी, और इस तरफ भी खाली रोड है, यहाँ पे भी खाली रोड है जहाँ से मैं आया अभी, तो पूरी इस पर दिखाते हैं। तो चलो यार देखते हैं, भैया को मैं पीछे बिठा रहा हूँ तब चलाएंगे। तो गाइस अब मैं भैया को पीछे बिठा रहा हूँ, तो अब देखना आगे, देखो खाली रोड है पूरी, ये आगे जो आप देख रहे हो खाली है पूरी। देखो डिप्पर भी मारता हूँ, देखो ये आगे देखो लाइट कैसे चमक रही है इसकी। चलो यार चलते हैं, अब स्पीड देखना गाइस कैसे पड़ेगी। भाई अभी मैं इतनी तेज चला नहीं रहा, क्योंकि बस सर्विस होने के बाद ऐसे करते हैं, इतना भी रेस दे नहीं रहा पूरी। तो अब यहीं से मोड़ लेते हैं, देख लिया कितनी तक गई थी स्पीड। मैंने तो मेरा तो ध्यान आ गया था, मैंने इसलिए देखा नहीं ज़्यादा,
अब कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जितने हो सके शेयर। मैं देखो अभी चला रहा हूँ, और हैंडल स्टेबिलिटी देखो बिल्कुल सही है और स्मूथ है बिल्कुल। और गाइस ये वाला जो बटन था इधर, ये यहाँ से ऐसे करो तो ये बंद हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये याद रहता है इको और पावर मोड है ये, जैसे पास करके दिखा देता तो ऐसे दिखेगा। देखो ये इको और ये पावर मोड है। पावर पे अभी आप चलने आपने देखी होगी, पावर पे गई थी ना अभी, पावर लिखा था तो पावर इधर। ये देखो जैसे ये है ना, ये देखो ऐसे, ये देखो पावर गई, लाइट जल जाती है, येलो लाइट पावर की और ग्रीन लाइट इको की है। तो मैंने दिखा दिया आपको ऐसे ही, बताना सारे कमेंट सेक्शन में कैसा। और मेरे को इसका डैशबोर्ड एक तो ऐसे अच्छा लगता है ना, देखो ये कार्बन फाइबर का, और ये इसका बंद करने का स्कूटी को सेल्फ है, और ये जो लाइट का, और ये वाला जो आ गया इसका डिपर का, लो बीम और हाई बीम का, और ये जो आ गया इंडिकेटर का, और ये आ गया आपका, ये आ गया हॉर्न। आप सोच रहे होगे अभी तो हम लोग एक एंटोर की वीडियो बना रहे थे, अब दो दो आ गए इधर, अब ये दो हैं। और ये एंटोर किसकी है अभी बताता हूँ। देखो जैसे मेरे ये भैया थे ना सन्नी भैया, इनके एक फ्रेंड है, वो अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, ये मिल गए भैया, तो इनसे पूछते हैं इनका क्या रिव्यू है स्कूटी के बारे में, कि इनको कितने दिन हो गए चलाते हुए, और कंफर्टेबल है भैया चलाने में? बिल्कुल कंफर्टेबल है। और कितने दिन हो गए आपको चलाते हुए? एक महीने से ऊपर हो गया। तो ये भाई एक महीने से ऊपर हो गया है, और ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल। तो भाई देखो भैया वाले भी यही वही थे, भैया ने भी ये बोला था कि कोई इशू नहीं है ट्रैफिक में भी, और देखो कितनी अच्छी लग रही दोनों खड़ी हुई, और इसकी जो टी वाली जो टी शेप में जो हेडलाइट दी हुई है वो भी अच्छी है। तो भाई इसकी जो बूट स्पेस है वो दिखाता हूँ आपको, जैसे इधर से देखो ये इधर ओपन करेंगे तो इसकी ये डिक्की खुल जाएगी, और इधर से करेंगे देखो इधर इस तरह लेफ्ट को करेंगे तो पेट्रोल का ये खुल जाएगा, तो इसको हम बंद कर देते हैं। और अब डिक्की में देखो ज़रा, बूट स्पेस सही है इसमें, हेलमेट अगर आपको बड़ा फुल फेस हेलमेट भी है तब भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो है मेडिकल किट, और ये देखो हमारे पे हेलमेट है, ये देखो ये फुल आ रहा है, और इसमें जगह भी और भी बच रही है और सामान रखने के लिए। तो और ये बूट स्पेस, इसमें ये सामान रखने के लिए हेलमेट आपको रख के दिखाई दिया, और ये लाइट दी हुई है इसमें पूरी डिक्की के लिए, जैसे अंधेरे में आप डिक्की खोलो तो अंदर सामान दिखे, और ये दिया हुआ है इसका चार्जिंग पॉइंट है ये, जैसे आप फ़ोन की बैटरी लो या इमरजेंसी के लिए तो इसमें आप लगा सकते हो चार्जिंग पे। तो भाई इसके जो मीटर है, मीटर में जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसके जो 59 फीचर्स है इसमें, और मेरे को 59 में से जितने पता थे मेरे को, जैसे स्पोर्ट्स मोड आ गया, स्ट्रीट मोड आ गया, और बाकी जो थे मैंने आपको बताया जितने मेरे को पता थे, और मेरे को नहीं पता यार, तो वो तो आप देखो गूगल करके देख सकते हैं जितने मेरे को पता था मैंने बताया। तो भाई इसमें ये जो है सब्जी वब्जी टांगने के लिए या और कोई सामान लेने के लिए वो दिया हुआ है हैंगर, और इसमें ये एक तो ऊपर है और एक ये दिया हुआ है इसका, ये नीचे दिया हुआ है, ये खोल के दिखाता हूँ इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा। और मेरे को भाई सबसे ज़्यादा जो लगी इसकी, ये जो ये दी हुई है, ये जो फिर जो दी है फिनिशिंग, ये ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, बाकी तो भाई पूरी स्कूटी अच्छी है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है इसकी, और इसका लेग स्पेस जो है, जैसे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ तो देखो यार लेग स्पेस सही है इसका, लेग स्पेस अभी देखो थोड़ा अंधेरा टाइप इधर, आपको पूरी फ्लैश लाइट लगा के दिखाता हूँ, देखो लेग स्पेस पूरा सही है इसमें, और उसके बावजूद भी आप सामान ऊपर भी टांग सकते हो, नीचे भी वो कर सकते हो आप। भाई इसमें एक चीज़ हो रहा है, फ्यूल रिजर्व पे अगर जो लगता है ना, तो जो ट्रिप पे इसकी ए और बी है नॉर्मल में, और जब फ्यूल रिजर्व पे लग जाता है तो ट्रिप एफ आ जाती है इसकी, तो उसमें मेरे को भैया ने बताया था। हाँ तो भैया क्या इसके रिजर्व में कितनी चल जाती है? 1.1 लीटर का है इसका रिजर्व का। अच्छा 1.1 लीटर का है, और टैंक की जो है इसका भाई 5 लीटर का टैंक है, उसमें से फ्यूल रिजर्व पे जो आता है जब 1.1 लीटर का है जो फ्यूल रिजर्व में बचता है, और आपके हिसाब से कितनी चल जाती होगी किलोमीटर में रिजर्व पे? रिजर्व में अब 1 लीटर का मतलब ये अगर 30 स्टार्टिंग में नहीं है तो 30-32 तो चलेगी अभी तो। अच्छा, और टैंक फुल में 200 170 180 200 तक नहीं गई अभी बिना सर्विस के कहाँ जाएगी? अच्छा, सर्विस फर्स्ट सर्विस से पहले पहले जो है भैया बता रहे हैं इतनी चले जाती है, 170 तक वो हो जाता है पेट्रोल फुल में, 300-350 के पेट्रोल में 170 है अभी। तो भाई अब इसका देखते हैं यार 0-2 कितने तक चले जाती है, और भैया ने देखो मेरा चश्मा पहन लिया
तो चलो भाई देखते हैं यार कितनी चले जाती है। हमने इसका देखा था 0 to 88 चलेगी थी, कितने 3 सेकंड में चलेगी थी, तो 0 to 88 है भाई। अब और भी दिखा भाई, इतना ही था वीडियो में। स्कूटी आपने पूरी देख ली, मैंने आपको सारा बता दिया कितने चेंजेस थे और क्या क्या इसमें स्टिकरिंग हुई है और कैसे ये हेडलाइट में भी चेंज है पूरा। और भैया ने तो शुरू में प्राइस बता दिया था स्कूटी का क्या प्राइस है, और कंफर्टेबल में अभी मैंने भी चलाई थी जैसे आपने वीडियो में देखा, सही मतलब इतना तो रोड मिला नहीं, स्पीड ब्रेकर भी था तो सही है, इतने चलाने में बिल्कुल अच्छी लग रही है, स्टेबिलिटी बहुत है हैंडलिंग की। भाई मिलता हूँ मैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना, कमेंट कर देना जितना हो सके। भैया बाय बाय बाय, बाद मिलते हैं वीडियो में, ऐसे देन बाय।